आप घर पे बैठे रहेंगे तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। जी हाँ, अगर आप इस दौरान भी आप चाहते हैं कि आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें, तो इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सारी चीजें ए टू जेड अवेलेबल है। ठीक, अब बिजनेस सेटअप करने से लेकर प्रमोशन करने तक फिर देर किस बात की, आज ही बुक कीजिए और पहले आइए पहले पाइए का हिस्सा बनिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम ये इस वीडियो ट्यूटोरियल में ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम मल्टी वेंडर एप्लीकेशंस, मल्टी वेंडर वेबसाइट्स बनाते हैं और लुक लाइक, जैसे आपका फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इस टाइप के अगर आपको मल्टी वेंडर एप्लीकेशंस या मल्टी वेंडर वेबसाइट्स बनाना हो तो वो कैसे बना सकते हैं, इसका ए टू जेड हम प्रैक्टिकल आप देखेंगे। ये आपका अभी होम पेज देख रहे हैं कि ये होम पेज अभी का मैंने क्रिएट किया हुआ है। ये होम पेज आप देख सकते हैं, ये आपका डेमो है। सेम एज इट इज इसी तरह का ये कस्टमर का हमने बना रखा है। ये है एक जो कस्टमर के लिए हमने इसका ऑलरेडी बना रखे हैं। डिफरेंट टाइप है, इस तरह की अगर हमें वेबसाइट बनाना हो या आप चाहते हैं खुद से बनाना या हमसे बनवाना चाहते हैं तो किस तरीके से हो सकता है, कैसे पॉसिबल है, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन जानेंगे। इसी तरीके से अगर आप मीट शॉप की बात करें या फिर फिश शॉप की बात करें तो फिश शॉप भी इसी थीम के मदद से बनाया जा सकता है। ये एक बिल्कुल ईजी है। तो आइए हम देखते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले हम वो चीज़ देखते हैं कि ये जो बनेगा, ये जो सैम्पल्स बनेगा, ये सैम्पल्स किस तरीके से बनाया जाएगा, किस टाइप से होगा। इसके होम पेज आपको जैसे कि दिखा दिया, यहाँ पे होम पेज बड़ा ब्यूटीफुल होम पेज है। इस होम पेज में सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका लैंग्वेज का, दो तीन लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हैं इसको, चाहे आप अरेबिक में या फिर इंग्लिश में या जिस भी लैंग्वेज में यूज़ करना चाहे यूज़ कर सकते हैं। मल्टी करेंसी है, चाहे आप करेंसी कोई भी करेंसी चाहे यूरो चाहे INR चाहे या फिर UAE चाहे जो भी जिस टाइप की आपको करेंसी लेना हो आप करेंसी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे माय अकाउंट है, यहाँ पे आपका विश लिस्ट है, चेकआउट है, यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है। लॉगिन का ऑप्शन से बड़ा ज़बरदस्त है कि ये देखें कितना खूबसूरत सा लॉगिन का ऑप्शन है। और आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट अकाउंट भी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पे आप करेंगे होम पेज और इसका एक ब्यूटीफुल सर्च बार है। आप सर्च बार के यहाँ पे के यूज़ कर सकते हैं, आप जो इसको कैटेगराइज के अकॉर्डिंग भी सर्च बार कर सकते हैं और साथ साथ यहाँ पे आपको ये खूबसूरत सा एक सर्च बार मिल जाता है। यह आपका चेकआउट का ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे आपका मेगा मेन्यू मिलेगा, मेगा मेन्यू के बाद ज़बरदस्त है, खूबसूरत से मेगा मेन्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेगा मेन्यू कितना खूबसूरत से मेगा मेन्यू है। आप इसको इसी टाइप से आराम से मेगा मेन्यू भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन देखते हैं कि इसका क्या प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग ये किस तरीके से होता है। इसके अलावा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्विक एक्सेस, अगर आपको क्विक एक्सेस लेना हो किसी भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो आप आराम से क्विक एक्सेस ले सकते हैं। बड़ा खूबसूरत से ये डिज़ाइन है गो क्विक एक्सेस का। ठीक है, इस तरीके से आप अगर नीचे लेकर जाएंगे तो ये एक टाइमर है, आप अपने हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट्स का ऑफर डाल सकते हैं, ऑफर दे सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको जिस हिसाब से चाहें इसको ऑफरेबल में डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका फीचर प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा यहाँ पे आपका टॉप कैटेगरीज हैं, जितने सारे कैटेगरीज वगैरह हैं ये सारे कैटेगरीज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी आपको इसी तरह से यहाँ पे कस्टमाइजेशन दिखेगा, कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये आपका प्रोडक्ट्स हैं सेम एज इट इज़, उस तरह के जिस तरीके से आपका फ्लिपकार्ट में आपको दिखेगा। ठीक है, ये आपकी चीज़ें हैं कि यहाँ पे आपको स्लाइड वगैरह भी बड़ा अच्छे और ख़ूबसूरत से स्लाइड वगैरह लगे हुए हैं, और बैनर वगैरह भी आप अपने हिसाब से लगाना चाहें लगा सकते हैं। अब बात करें इसकी क्या पेजेस की, सिंगल पेज की, कि सिंगल पेज किस तरीके से दिखेगा। सिंगल पेज बड़ा इजी है और देखने में बड़ा खूबसूरत से सिंगल पेज है। यहाँ पे के आप देखेंगे सिंगल पेज आपको इस तरह से दिखेगा। हाँ, अगर आप इसको चाह रहे हैं कि इसको जूमेबल कर ले, लेफ्ट में करें राइट में करें तो भी पॉसिबल है, आप आराम से ईजिली इसको करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया वगैरह इसका शेयर वगैरह आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि इस पे इस वाली वेबसाइट पे या फिर इस पे, ये तो आपका डेमो टाइप है, स्टार्ट हमें अभी आज बनाना है इसलिए मैं यही चीज़ दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी इस तरह से बना रखी है, तो इस ये चीज़ मैं दिखा रहा हूँ इस वजह से ताकि हमें इसी टाइप से
अभी बनाना है कि कैसे बनेगा, किस टाइप से बनता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बस ये एक आपका चेकआउट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आप मल्टी प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टी सेल्स के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, ये आपका सिंपल ऑप्शन से जैसे आप नॉर्मली के कॉमर्स में होता है सेम उसी तरीके से ये भी यहाँ पे सिंपल ऑप्शन हैं। ये सारी बात ठीक है। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसके थीम के अकॉर्डिंग, के थीम किस तरीके से है, कैसे काम करेगा, किस टाइप से काम करेगा, मेन कौन सी चीज़ें हैं जो जरूरी है। ये आप अगर बाय करना चाहते हैं ये थीम तो आप इवेंटो मार्केट से बाय कर सकते हैं। इसमें आपको मोबाइल लेआउट भी मिलेगा, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से आराम से बाय करना चाहें बाय कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम हो तो आप हेल्प लेना चाहें तो आप हेल्प ले सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, फ्री ऑफ कॉस्ट आप हेल्प लेना चाहें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें तीन खूबसूरत से ब्यूटीफुल पेजेस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें तीन ब्यूटीफुल से पेजेस हैं। और आपका मोबाइल का दो होम पेजेस हैं, मोबाइल पेजेस की बात करें तो दो होम पेजेस हैं, एक मोबाइल पेज आपको इस तरह से दिखेगा, दूसरा मोबाइल पेज आपको इस तरह से दिखेगा। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप इनको आराम से ईजिली इसको यूज़ कर सकते हैं और देखना चाहें आप आराम से देख सकते हैं, कोई ज़्यादा मगजमारी वाली बात नहीं है। हाँ यहाँ पे बात कर लेते हैं इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो फीचर्स बहुत ज़बरदस्त फीचर्स हैं। आप वो फीचर्स यहाँ पे आप मल्टी वेंडर अगर यूज़ करना चाहें तो आप मल्टी वेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, और हम दुकान प्लगइन के अकॉर्डिंग ही आज मल्टी वेंडर हम इसमें बनाएंगे बिल्कुल ईजी है स्टेप के साथ, कि इसमें क्या सिंपल ऑप्शन होगा एडमिन का, मार्केट प्लेस का, मल्टी वेंडर का, और प्रोडक्ट्स सेलर्स का और बायर का। इस बस सिंगल ऑप्शन सिंपल ऑप्शन है कि इसमें तीन चार तरह कैटेगरी की चीज़ें होंगी मार्केट प्लेस में, एक एडमिन का रोल रहेगा, दूसरा मार्केट प्लेस का रोल रहेगा, तीसरा रोल आपका मल्टी वेंडर का रहेगा, और चौथा रोल प्रोडक्ट्स का होगा, और फिर वो प्रोडक्ट्स बायर अपना आराम से इजीली बाय कर सकता है। तो की फीचर्स की बात कर ले तो मेन फीचर्स आपका यहाँ पे है, मल्टीपल हेडर है, इसमें आपको तीन तरह का आपका हेडर मिल जाएगा, जैसे कि मैं आपको दो हेडर ऑलरेडी मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ, फर्स्ट हेडर आपको ये मिलेगा, सेकेंड हेडर आपको ये मिलेगा, और थर्ड हेडर अगर आप बात करें तो थर्ड हेडर आपको इस तरह का मिलेगा। तो मल्टीपल हेडर है, चाहे आप मोबाइल की बात करें या फिर आपको वेबसाइट की बात करें, दोनों में आपको मल्टीपल हेडर है, आप मल्टीपल हेडर इसके लिए यूज कर सकते हैं। इसका अनलिमिटेड कलर स्टाइल है, आप जिस टाइप से भी आप कलर स्टाइल चाहें, जैसा चाहें आप कलर स्टाइल आप इसमें डाल सकते हैं। वन क्लिक इंस्टॉलेशन, आप एक क्लिक में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हाई कस्टमाइजेबल, मैं ये सारी चीजें आपको करके दिखाऊंगा, हाई कस्टमाइजेबल अगर आप चाहते हैं अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करना तो आप इसको आराम से इजिली इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। रेवोल्यूशन स्लाइडर, आप स्लाइडर इसे स्लाइड रेवोल्यूशन डाल सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये स्लाइड है, इस स्लाइड रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग डाला गया है, आप इसको आराम से इजीली आप स्लाइड रेवोल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा विजुअल कंपोजर है, आप इसको विजुअल कंपोजर के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अरेबिक RTL सपोर्ट, यानी आप अगर राइट हैंड वाली लैंग्वेज सपोर्ट लेना चाहते हैं, यानी अरेबिक का लेना चाहते हैं, या लेफ्ट हैंड के लैंग्वेजेस से हिंदी लेना चाहते हैं, इंग्लिश लेना चाहते हैं, किसी भी तरह के लैंग्वेजेस अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप आराम से इसको यूजली यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉप रेडी, इसमें आप रेडीमेड शॉप भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल लेआउट रेडी है, आप मोबाइल लेआउट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मोबाइल लेआउट दो तीन मोबाइल लेआउट मिल जाएगा आपको, यानी आपका मोबाइल व्यूज़ आपका अलग दिखेगा और आपका वेब व्यू अलग दिखेगा, दोनों का चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं और अलग अलग हम दिखा सकते हैं आराम से ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ की बात कर लें कि फुली रिस्पॉन्सिव, ये 100% रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको वेबसाइट में ओपन करेंगे तो वेबसाइट का आकार ले लेगा, या डेस्कटॉप में ओपन करें तो डेस्कटॉप का आकार ले लेगा, लैपटॉप में ओपन करें तो लैपटॉप का आकार ले लेगा, या फिर आप मोबाइल में ओपन करेंगे तो इसमें मोबाइल का आकार ले लेगा। तो ये बिल्कुल 100% रिस्पॉन्सिव है, जिसमें भी आप इसको ओपन करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये ढल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी स्टेप से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करके आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं आगे की कि यहाँ पे एसईओ ऑप्टिमाइजेबल रहेगा आपको, इसमें 100% आप एसईओ आराम से इजीली कर सकते हैं। पावरफुल मेगा मेन्यू, मेगा मेन्यू का यूज कर सकते हैं आप। मेगा मेन्यू जैसे मैंने बताया आपको, दिखाया ये मेगा मेन्यू है, आप इस मेगा मेन्यू का पावरफुल मेगा मेन्यू आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल खूबसूरत से एक मेगा मेन्यू बनाया गया है, आराम से आप इसका यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल ब्लॉग लेआउट, ब्लॉगिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप ब्लॉगिंग भी आप मल्टीपल लेआउट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लेआउट हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं ग्रिड की शक्ल में, फुल विड्थ की शक्ल में, लेफ्ट विड्थ की शक्ल में, बहुत सारे के मल्टीपल के लेआउट हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि मल्टीपल शॉप लेआउट, डिफरेंट डिफरेंट शॉप लेआउट आप डिज़ाइन कर सकते हैं इसमें, दो तीन डिज़ाइन जो भी आप करना चाहें इसे कस्टमाइजेबल कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट टाइप भी आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। प्रोडक्ट स्लाइडर भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है। इस तरीके से प्रीमियम प्लगइन इंक्लूडेड, ये इसमें सारे प्लगइन जो भी आपको मिलेगा वो सारे प्लगइन प्रीमियम प्लगइन है। ड्रॉप ड्रैग बिल्डर भी आप इसके अंदर मौजूद है। शॉर्ट कोड इंक्लूडेड है, कुछ शॉर्ट कोड आपको मिलेगा, जैसे शॉर्ट कोड जैसे यहाँ पे अगर बात कर ले कि ये आपका शॉर्ट कोडेड है, तो इस तरह के कोड आपको इंक्लूड मिलेगा। जी हाँ, इस तरह का कोड भी आपको मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पे एक मिनी कार्ट, अगर आप मिनी कार्ट की बात कर ले तो मिनी कार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ये मिनी कार्ट है। इसके बाद यहाँ पे कलर इमेजेस के, कलर के इमेजेस हैं वो भी आप डिफरेंट तरीके से आप इसको इमेजेस का कलर वगैरह इसको स्विच ऑन करना चाहें आप आराम से कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्विक व्यूज का भी ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है। प्रोडक्ट इजेक्ट सर्च का ऑप्शन है। इजेक्ट सर्च का मतलब ये होता है कि जब भी कोई आप दो तीन प्रोडक्ट्स के डालेंगे या दो तीन वर्ड्स डालेंगे तो उस वर्ड के रिलेटेड जो भी आपका यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिले रहेगा वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा या फिर वो दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखें ये आप एजेक्ट सर्च के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट्स हो जो इस नाम से रिलेटेड हो तो वो आपको यहाँ पे दिख जाए, जैसे ये है, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी और दूसरी चीज़ें ले लीजिए, जो दो तीन प्रोडक्ट आप सर्च करें, दो तीन लैंग्वेज नाम सर्च करें, अगर वो नाम आप इसमें वेबसाइट पर डाला हुआ होगा तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डाला कि डेमो के नाम से, डेमो के नाम से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपको वो प्रोडक्ट्स आपको दिख जाएगा। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिसे हम एजेक्ट सर्च के नाम से जानते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। क्या यहाँ पे क्या बात कर लेते हैं यहाँ पे, और ये बिल्कुल 100% रिस्पॉन्सिव है। तो ये मेन चीज़ें थी, अब आते हैं चलते हैं हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं और डिज़ाइन करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए डिज़ाइन करने के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आपको डोमेन और होस्टिंग के, सबसे पहली चीज़। तो डोमेन का अगर आप बात करें तो डोमेन आप गोडैडी से बाय कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर आप होस्टिंग की बात करें तो होस्टिंग, बेस्ट होस्टिंग की बात करें तो बेस्ट होस्टिंग आपको ए टू होस्ट से मिल जाएगा। मैं सबका लिंक आपको वीडियो के नीचे मैं दे दूंगा। आप ए टू होस्ट बेस्ट होस्टिंग है, आप यहां से आराम से ई कॉमर्स के लिए या फिर आप मल्टी वेंडर की वेबसाइट्स के लिए आप ए टू होस्ट का होस्टिंग यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा होस्टिंग है, इनमें से कोई से भी होस्टिंग आप ले सकते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन आपका ये रहेगा अगर आप स्टार्टिंग प्लान में हैं, स्टार्टर प्लान है तो आप स्टार्टर प्लान भी यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका और कस्टमर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे आपको मल्टीपल वेबसाइट लेना हो तो आप मल्टीपल वेबसाइट के लिए आप ड्राइव पैकेज चूज कर सकते हैं। तो मैं इसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप वहां से आराम से ये भी चीज़ आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे एक बेनिफिट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको SSD मिलता है स्टोरेज, और SSD का स्पीड बहुत फास्ट होता है। और दूसरी बात यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कस्टमर सपोर्ट आपको बहुत फास्ट मिलता है। लाइव चैटिंग का ऑप्शन इसमें मिलता है और उस लाइव चैटिंग के अकॉर्डिंग आप आराम से इजीली विद इन 10-15 मिनट्स के अंदर अंदर आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।